जी इस वक्त मैं असरत के मुकाम पर मौजूद हूँ और असरत के मुकाम पर ये एक आबशार है और आबशार के साथ जो चेयरलिफ्ट है जिसको देसी तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया है, उन्होंने बनाया है, तो काफ़ी शानदार है। इसके लिए उन्होंने एक कार भी लगाया है और कार के ज़रिए ये जो डूली है चेयरलिफ्ट वो आ जाती है, तो काफ़ी सयाहों के लिए इंटरेस्ट पॉइंट बना हुआ। असरत के मुकाम पर है ये, और अगर आप ये देखें आबशार तो काफ़ी मतलब शानदार नज़ारा है। इसके गिरने का नज़ारा भी शानदार है और इसके जो निकलने का पानी का जो अखराज है ज़मीन से जिस तरह खारिज होता है और फिर बाहर जब आता है तो ये भी काफ़ी मज़ेदार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके मुख्तलिफ आबशारें लगी हुई है और लोग इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको ले कर जाऊँ तो आप देख सकते हैं दरियाए स्वात बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में बहता है और इसकी जो मौज मस्त लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ है। सैलाब के तबाहकारियों के बाद जो बहरीन के मुकाम पर और मदियन के मुकाम पर थोड़ा सा बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई है और बेहतरीन हालात। तो तमाम सयाहों को दावत दी जाती है कि वो आए, और इस वक्त होटल के रूम जो है ना वो भी सस्ते हैं, तो आपके लिए ये मौका बहुत अच्छा है, आप इससे फ़ायदा उठाएँ, मेरे साथ रहें। तारिक खान, आप बताएँ कि आपको कैसा लगा अमेरिका से जब आप वापस आए कोरोना क्यूबा के बाद, आप यहाँ पर आए और सैलाब के यहाँ पर जो खदशात थे उसके बाद आप आए, कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सैलाब की तो कोई खदशात नहीं है, रास्ते में हमें भी कोई मसला नहीं था, रास्ता वगैरह भी बिल्कुल काफ़ी बना है, तकरीबन मैं कहूँगा कि 95% तो कोई मुश्किल नहीं है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। स्पेशली जो ये डूली ये तो बहुत इंजॉयबल है, हर किसी को जो भी पाकिस्तान के हर कोने कोने से आते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि यहाँ पे रुके और ये इंजॉय करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने तारिक खान की बातें जानी, आप ये बताएं कि ये आपने अपने मदद आपके तहत ये बनाया है, क्या किस तरह के है? जी सर, ये हमने खुद ही बनाया है, ये हमने इसका स्टार्ट लिया था 2015 में। अच्छा, सबसे पहले जो हमने इस चीज़ को बनाया था ये हम हाथ से इसको चलाते थे, हैंडल से चलाते थे। अगले ही साल फिर बड़े भाई ने सोचा कि नहीं यार कुछ यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो बस अगले ही साल फिर हमने गाड़ी लगाई थी, 2016 में गाड़ी लगाई थी हमने। अच्छा, तो और ये सारा कुछ हमने खुद ही किया है और किसी मतलब गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट से इन्वॉल्व से कोई मतलब नहीं, नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा वाजे कर दूँ कि इन्होंने अपने मदद आपके तहत सयाहों के लिए एक बेहतरीन मुकाम यहाँ पर डेवलप किया है। सयाह ज़रूर यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं, इस पार्क का जो छोटा सा पार्क उन्होंने बनाया एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इनके लिए बेहतरीन है।
एक चेयर लिफ्ट है, ये गाड़ी इस डूले जो चेयर लिफ्ट है उसको इसमें इस्तेमाल होता है और ये जो व्हील घूमता है तो ये पूरा आप देख सकते हैं ये व्हील बिल्कुल टायर की तरह उन्होंने लगाया है। तो ये जब व्हील घूमता है तो चेयर लिफ्ट आप देख सकते हैं कि वो सीधा चेयर लिफ्ट जो है ना वो सामने आ जाता है, दरिया को इसको क्रॉस करते हैं। तो काफ़ी तादाद में सयाह इसको इस्तेमाल करते हैं, असरेत के मुकाम पर ये एक मशहूर पॉइंट है और काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ पर आते हैं। यहाँ एक मोटर कार पूरा इसके लिए वक़्फ कर दिया गया है, वहाँ पर आबशार है, बैठने की जगह है, दरिया स्वाद की मौज मस्त ले रहे हैं और यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना भी यहाँ दस्तियाब है। तो सयाहों के लिए बहुत एक पुरकशिश मुकाम यहाँ पर बना हुआ है और जितने भी सयाह यहाँ आते हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं और रुकते हैं।